और अगली कहानी तभी सुनूंगा जब इस कहानी को सुनकर मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये शर्त पुष्पदंत जी की नहीं, उनकी पिशाच प्रवृत्ति की है, जिसे माने बिना मैं उन्हें कथा सुना नहीं सकता, और मान लेने पर पिशाच प्रवृत्ति कुछ ना कुछ अनुचित ही करेगी। उचित है, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अच्छा, तो सुनाइए गणेश जी, कौन था वो जिसके हाथ भंग होकर के वापस लौट आए थे? ये कथा है कनीपक्कम क्षेत्र की, जहाँ दो भ्राता वास करते थे, ऋषि लिखित और ऋषि शंख। दोनों ही राजगुरु के पद पर थे। लिखित छोटे भ्राता थे और वो राजा के विश्वास पात्र सलाहकार थे। जबकि बड़े भ्राता शंख सदा मेरी भक्ति में ही डूबे रहते थे। ओम गण गणपते नमो नमः नमः। ओम गण गणपते नमः। और फिर एक दिन लिखित अपने बड़े भ्राता शंख से मिलने उनके आश्रम पधारे। भैया, भैया। नाम प्रभु। लगता है कोई नहीं है, अवश्य भ्राता श्री विनायक के दर्शन करने कनीपक्कम गए होंगे। यहीं प्रतीक्षा करता हूँ, अब आया हूँ तो भेंट के बिना लौट कर नहीं जाऊंगा। को आने में समय लगेगा, क्यों ना समय का सदुपयोग कर लिया जाए। स्वागत है अनुज, अधिक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी ना तुम्हें? और कोई विशेष कारण है आने का? भैया, प्रतीक्षा करने में आनंद ही आया। और आपके वृक्ष के आम बहुत ही स्वादिष्ट थे। आप यहाँ नहीं थे तो आपसे बिना पूछे ही ले लिए। भैया, अनजाने में मुझसे चोरी तो नहीं हो गई? आप भ्राता बनकर नहीं, गुरु बनकर बताइए ना, ये जो कुछ भी मैंने किया धर्म के अनुसार था अथवा चोरी थी? भ्राता आप शांत हैं, अर्थात मुझसे अपराध हुआ है। हाँ भ्राता, दुर्भाग्यवश चोरी ही हुई है तुमसे। तब तो मैं दंड का अधिकारी हुआ भ्राता। किंतु तुम्हारा दंड क्या है ये तो राजा ही बता सकते हैं, ये तो उन्हीं का अधिकार है। तब तो मुझे उनसे मिलकर ही पूछना चाहिए। प्रणाम राजगुरु। प्रणाम जी। राजन, एक अपराधी सम्मान का नहीं, दंड का अधिकारी होता है। राजगुरु, ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? एक राजगुरु को अपराधी मानने का अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ? राजन, अपराध के लिए दंड का विधान है और कुछ नहीं।
भले ही मुझे आपका सम्मान प्राप्त है, किंतु आज आपको न्याय करना ही होगा। वचन दीजिए मुझे। आप अवश्य ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं गुरुवर। स्वयं इतने ज्ञानी हैं, धर्म कर्म में निपुण हैं, भला आपसे कैसे कोई अपराध हो सकता है? मैं भटक गया राजन, मैं भटक गया, मुझसे चोरी हो गई अपने भ्राता के आश्रम में। अपने भ्राता के आश्रम से कुछ ले लेना चोरी नहीं कहलाती। नहीं राजन, नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। किसी से बिना अनुमति लिए उसका कुछ ले लेना चोरी ही तो है, चाहे वो आपका संबंधी ही क्यों ना हो। और ये अपराध मुझसे हुआ है राजन, आपका राजधर्म है मुझे दंड दें। चोरी का दंड क्या है वो आपको ज्ञात है राजगुरु? उचित है, मैं अपना दंड स्वीकार करता हूं। न्याय को सर्वोपरि रखने का वचन दिया था आपने राजन, अब न्याय कीजिए। क्योंकि यदि आज आपने मेरे साथ पक्षपात किया तो आपको फिर सभी को क्षमादान देना होगा। राजन, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उचित न्याय के अनुसार चोरी के अपराध में राजगुरु के हाथ काट दिया जाए, राजगुरु के हाथ काट दिया जाए। होता है धर्म का पालन। अपने भ्राता के आश्रम से लेकर खाया आम लिखित ने अपराध मानकर उसका दंड स्वीकार किया। ये था उनका प्रायश्चित, क्योंकि भूल स्वीकार करना प्रायश्चित का प्रथम पग है। उषत सुखेषु कालेषु त्यागो अमृत निर्झर। किंतु जिनको आपसे प्रेम है वो आपकी भूल को भूलकर हर अवस्था में आपकी सहायता ही करना चाहते हैं। शंख के लिए भी अपने भ्राता को इतने कष्ट में देख पाना असंभव था। तुमने अपना धर्म निभाया, अब मुझे अपना धर्म निभाने दो। भ्राता, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा प्रायश्चित भी पूर्ण होगा। चलो भ्राता, मेरे साथ श्री विनायक के कनिपक्कम स्थल चलो, वहां प्रभु हमें हमारी भक्ति और सच्चाई दोनों का परिणाम अवश्य देंगे।
उनकी कृपा से तुम्हें तुम्हारे हाथ पुनः प्राप्त होंगे। किंतु भ्राता, ये भला कैसे संभव है? संभव है, अवश्य संभव है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। मुझे उन पर विश्वास है और विश्वास है मुझे मेरी भक्ति पर। चलो भ्राता, मेरे साथ चलो। अवश्य भ्राता, अवश्य। भ्राता लिखित, मेरे समान विश्वास का मोती अपने हृदय में रखो, तो उसकी सुंदरता अवश्य फैलेगी। जय श्री विनायक। जय श्री विनायक। जय श्री विनायक। जय श्री विनायक। हे मेरे प्रभु, मेरे श्री विनायक, दया कीजिए, दया कीजिए हम पर। मेरे भ्राता से अनजाने में जो भूल हुई है, उसका धन भुगत चुका है वो। यदि उसका पश्चाताप सत्य है, यदि वो धर्म पर अड़िग है और मेरी भक्ति में खोट नहीं है, तो आप उस पर कृपा अवश्य करेंगे। हे प्रभु श्री विनायक, दया कीजिए दया निधान, कृपा कीजिए कृपा निधान। आपके वृक्ष के आम बहुत ही स्वादिष्ट थे, तो आपसे बिना पूछे ही ले लिए। मैं भटक गया, मुझसे चोरी हो गई अपने भ्राता के आश्रम। मैं अपना दंड स्वीकार करता हूँ। हे विनायक, मैं अपने हाथ जोड़कर आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। जय श्री विनायक। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमो विनायक। नमो विनायक। अव्यावरा भहास्ता पाशा दंता कर्षामना। ओम नमो विनायक। ओम नमो विनायक। अपने हाथ पाते ही लिखित ने सर्वप्रथम अपने भ्राता शंख के साथ कनिपक्कम विनायक मंदिर में मेरी आरती की, और जिस नदी में लिखित को उसके हाथ वापस प्राप्त हुए, वो बहुधा नदी सच्चाई, न्याय की समानता, अपने भाई के प्रति स्नेह और भक्ति की प्रतीक बनी। इसीलिए इस स्थान का इतना महत्व हुआ। उसी दिन से बहुधा नदी के जल से भरे वरा सिद्धि विनायक मंदिर में डुबकी लगाकर विशेष प्रतिज्ञा लेने वाले भक्तों को सच्चाई प्रमाणित कर सभी मनमुटाव दूर करने का अवसर मिलता है और वे कष्टों से मुक्त होते हैं। किंतु वो वरासिद्धि मंदिर इतना विशेष क्यों है? क्यों शंख की भक्ति से लिखित को वहाँ इतना बड़ा वरदान प्राप्त हुआ? कनिपक्कम वरासिद्धि विनायक स्वयंभू विनायक हैं। स्वयंभू विनायक? मेरे स्वयंभू विनायक स्वरूप को जिन्हें तीन दिव्यांग भक्तों की गुहार सुनकर आना ही पड़ा, वो महान भक्त
जिनके पास शब्द नहीं थे किंतु भक्ति का दिव्य स्वर था, दृष्टि नहीं थी किंतु श्रद्धा का दिव्य प्रकाश था, जिनके कर्ण प्रभावी नहीं थे किंतु उनके मन की भक्ति की गूंज प्रभु के कानों तक अवश्य पहुंचती थी। उनकी भक्ति में ऐसी पूर्णता थी कि उनके कल्याण के लिए उनके भगवान को स्वयं स्वयंभू होकर प्रकट होना पड़ा। मेरी स्वयंभू प्रतिमा से कहीं अधिक उनकी अद्भुत भक्ति कारण बनी कनी पक्कम को दिव्य और महान पावन स्थल बनाने की। आश्चर्य, ये सब कैसे संभव हुआ गणेश जी? भक्त यदि ठान ले और पूरी निष्ठा से भक्ति के पथ पर चले तो फिर उसकी अपूर्णता भी उसकी बाधा नहीं रहती। किंतु ये कैसे हुआ, कब हुआ, हमें बताने की कृपा करें गणेश जी। हाँ सुनाइए ना अपने उन तीन दिव्यांग भक्तों की कथाएं। एक समय था जब विहारापुरी नामक ग्राम में एक किसान की विधवा रहती थी, जिसका स्वास्थ्य स्वयं अच्छा नहीं रहता था किंतु फिर भी दो कार्यों के लिए वो पूर्ण रूप से समर्पित थी, मेरी भक्ति और अपने तीन दिव्यांग पुत्रों की देखभाल। भोजन तैयार है, जाओ जाकर अपने भ्राताओं को बुलाओ। जिस परिवार में मेल हो वहाँ संतोष का निवास होता है, वहाँ थोड़े में भी सब खुश रहते हैं किंतु उनके इन छोटे सुखों पर भी किसी की कुदृष्टि थी। उनका कपटी चाचा लालच में उन्हें घर से निकालकर उनके खेत प्राप्त करना चाहता था। फिर जब इन तीनों दिव्यांग भ्राताओं की माँ और अस्वस्थ हो गईं, तो इस कुटिल बुद्धि चाचा को उसका अवसर मिला। आप कुछ कहते क्यों नहीं, माँ स्वस्थ तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, स्वस्थ होंगी, अवश्य होंगी। ये लो जल में घोलकर ये औषधि पिलाते रहना, शीघ्र कुशल होंगी। देखा मैंने कहा था ना कि चिंता की कोई बात नहीं और वैद्य को बुलाने का भी कोई कारण नहीं है। आज्ञा दीजिए मुझे, चलता हूं। जी जी क्षमा कीजिएगा, मेरे बालक आपको बुला तो लाए लेकिन आपको शुल्क में देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। शुल्क? कैसा शुल्क, आपके पति मेरे मित्र थे तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता? चलता माँ ये औषधि पी लो। अभी के यहाँ बेची बेची यहाँ क्या करने आए थे? नमस्ते बेची जी। नमस्ते। नहीं माँ,
तुम विश्राम करो, तुम आज कार्य नहीं करोगी। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, हम भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। मैं स्वस्थ हूँ। क्या बात है वैजी, कोई गंभीर समस्या है? हाँ, यदि इनका ध्यान ना रखा गया तो इनका जीवन संकट में पड़ सकता है। भाभी की अवस्था अत्यधिक गंभीर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या तो मेरे इन पुत्रों का क्या होगा? लाचार बच्चों को इनकी माँ की व्यथा कैसे मैं बताता? आप सगे हैं, बच्चों के चाचा हैं, तो अब आप ही सब बता दीजिए और इनका ध्यान रखिए। ध्यान वैजी अवश्य रखेंगे हम, ये तो हमारा कर्तव्य है। ध्यान तो अवश्य रखूंगा वैजी, इनकी भूमि का और इनके घर का। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। देखो चिंता का कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और प्रभु विनायक है ना, सब कुशल कर देंगे, उनमें विश्वास रखो। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोग सब निश्चिंत रहो, हाँ मैं भोजन पकाती हूँ। प्रणाम भाभी, प्रणाम। भाभी आज स्वादिष्ट भोजन पकाना। देवर जी, यदि आप हमें हमारे घर से निकालने की मंशा से आए हैं तो। अरे भाभी जी, कैसी तबीयत है अभी ये बताइए? वैसे दिखने में तो आप स्वस्थ लग रही हो। ये तो वैद्य जी है कि व्यर्थ में मुझे भयभीत करके चले गए। वैद्य जी से कह दीजिए मैं कुशल हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। भाभी इतने सारे पात्र देख रही है, कदाचित इतने प्रसन्न है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि लड्डू बनाओ, सिरा बनाओ या खीर बनाओ। क्या हुआ भाभी जी, सारे पात्र खाली है? बड़े दुख की बात है, ये तो लगता है आज भी देवर को भाभी के घर से भूखे ही जाना पड़ेगा और ये बालकों को भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। देखा ना भाभी, मेरे शब्दों का आप पर भी प्रभाव पड़ा, कुछ तो ढूंढ ही लिया आपने, लेकिन मैं भी तो देखूं कि क्या है इसमें। दिखाइए भाभी, मुझे देखने तो दीजिए क्या है। बूंदी है कि मेवा है? अरे ये तो मुट्ठी भर चने का आटा है। ये तो ऐसी बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। भाभी पहले ये तो बताइए इसका क्या बनाओगी और इन सबका पेट कैसे भरोगी? देवर जी, अपने बच्चों को भोजन में खिला दूंगी, आप चिंता मत कीजिए।
भूखे नहीं सोएंगे मेरे बच्चे, यह उनके लिए बहुत है। लो पुत्र। क्षमा कर दीजिए माँ, सब गिर गया ना। अब तो भूख मिटने की आशा भी नहीं रही भाभी जी। चलो भाभी जी, चलता हूँ। भूख के मारे बच्चे बेचारे। क्यों बालक हो, अपने चाचा के प्रति आदर छोड़ दिया? प्रणाम ही नहीं करते? अब मैं जा रहा हूं, अब तो प्रणाम करो। प्रणाम चाचा। प्रणाम चाचा जी। मन तो करता है आशीर्वाद दे दूं, पर समझ में नहीं आता कि क्या कहूं। जीते रहो कहूं या कह दूं कि मर जाओ। देवा जी। ये क्या भाभी माँ, मेरे तो हाथ पर कांपने लगे। क्या है ना कि आपके फटकार सुने हुए बहुत समय हो गया है, मैं तो बिल्कुल डर गया हूँ। लेकिन मैं क्यों डरूं? डरना तो इन लोगों को चाहिए, क्योंकि इनकी माँ हमेशा के लिए इनसे बिछड़ने वाली है। ना तुमने बालक को मैंने क्या कहा? तुम्हारी माँ की शीघ्र मृत्यु होने वाली है। देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जो है सो है, मैं तो इन्हें सत्य का परिचय करवा रहा हूँ। और भाभी, प्रतिदिन मृत्यु का सामना करने से तो अच्छा है कि मृत्यु एक बार आ जाए बस। भाभी जी, जो ना बोल सकता हो, ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, भला आपके जाने के बाद अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? कि कभी आपने सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके जाने के बाद इनका क्या होगा? सोचा है कभी? मेरा तो यही मानना है कि तड़प के मर जाने से अच्छा है एक ही बार मृत्यु को स्वीकार कर लो। यदि आप अपनी मृत्यु के बाद इन्हें तड़पते हुए नहीं देखना चाहती हैं, तो फिर इस समस्या का हल है हमारे पास। भाभी जी, आपको और कुछ नहीं करना है, बस धतूरा ले आओ, आप खाओ और इन्हें भी खिलाओ, फिर सभी लोग आराम से खाकर हमेशा के लिए सो जाओ, समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। पिता के बाद चाचा का स्थान होता है, परंतु ऐसे दुष्ट चाचा को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। दुष्ट तो अपने दुष्टता भरे वचन बोलकर चला गया, किंतु वो रात भर माँ के हृदय को बेधते रहे और अंततः उनका मन निराशा से भर गया। तड़प के मर जाने से अच्छा है एक ही बार मृत्यु को स्वीकार कर लो, धतूरा ले आओ, फिर सभी लोग आराम से खाकर हमेशा के लिए सो जाओ। समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
प्रभु, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या करूं? जन्म देने वाली अब जीवन छीनने के विवश में है। ये कैसा दुर्भाग्य है प्रभु, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों की होने वाली दुर्दशा की कल्पना से मैं असहाय हो गई हूँ प्रभु। हे दयानिधान, आप नहीं चाहते ना कि मैं ये पाप करूं, तो इस विवशता से निकलने के लिए कोई उपाय सुझाइए प्रभु, कोई उपाय सुझाइए प्रभु, कोई उपाय सुझाइए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जय श्री गणेश, जगत जय श्री विनायक, हिरण्य रूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञान रूपाय नमः, जय श्री गणेश, जय श्री विनायक नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, भ्राता बस चार पद और, जयाय नमः, विगज्वलाय नमः, विश्वमूर्तये नमः, अमेयात्मने नमः। बैठो यहाँ पे। जय श्री गणेश, जय श्री विनायक, जय श्री गणेश, जय श्री विनायक। दूसरे का सहायक बनने पर कुछ भी असंभव नहीं रहता। ये लीजिए देवी, प्रभु का प्रसाद। सुगम भई कावेरी जैसी हो रेवा, चलो चलो भ्राता। सीधे चलो भ्राता। हे मंगल मूर्ति, तुम्हारे होते हुए किसी का मंगल नहीं हो सकता। आपके संकेत मात्र ने मुझे मेरी दुविधा से बाहर निकाल दी। हे प्रभु, अब आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। बनाया जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे के पूरक थे ना, मैं भी अपने बच्चों को एक दूसरे के पूरक बनना सिखाऊंगी। मेरी बस एक गुहार है प्रभु, बस मुझे थोड़े से समय का जीवन दान दे दीजिए प्रभु, जीवन दान दे दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद। संकट के सामने घुटने टेक दो तो उससे मुक्ति नहीं मिलती, अपितु ऐसी भूल हो जाती है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, किंतु ऐसे विपरीत समय में आशा बनाए रखने पर साहस बना रहता है और साहस शक्ति देता है, संकट पराजित हो जाता है। किंतु मृत्यु तो कभी पराजित नहीं होती गणेश जी, जो होने वाले थी उन तीनों की माँ की। क्या उस माँ के पास अपने तीनों पुत्रों को सीख देने का पर्याप्त समय था? यदि माता पिता आरंभ में ही अपनी संतान को उचित संस्कार सिखा दें, तो उन्हें प्रतिदिन सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती।
ऐसी संतान अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेती है। ऐसे तो कभी नहीं जाती माँ, चाचा ने उन्हें दुखी कर दिया था, आहत हो गई थी वो, कहीं वो शुभ शुभ का हो, आती ही होंगी वो, हमें छोड़ के नहीं जाएंगी। पुत्रो, सत्य का तुम्हारे साथ ना होकर भी मैं सदा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सही का तुम्हारे साथ ना रहकर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। समय कितना भी अंधकारमय क्यों ना लगे, आशा के दीप प्रकाश भर ही देते हैं। और आज मैं तुम लोगों के लिए भोजन और आशा के साथ लौटे हूं। तुम सब यहीं रुको, मैं आती हूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, लड्डू। किंतु ये लड्डू तुम्हें तब ही मिलेंगे जब तुम दूसरी ओर घूमकर खड़े रहोगे। आओ पुत्र, लड्डू ले सकते हो। अरे ऐसे नहीं, देखो अपने भाइयों को, वो आगे ना बढ़ सके। अकेले अकेले लड्डू खाकर प्रसन्न हो जाओगे। अपने चाचा जी के समान मैं अपने पुत्रों को स्वार्थी नहीं देख सकती। मैं चाहती हूं कि तुम तीनों मिलकर रहो और एक दूसरे की सहायता करो। आज से तुम तीनों एक दूसरे के सहायक बन के रहोगे, एक दूसरे की कमियों को दूर करोगे, एक साथ काम करोगे, जैसे एक हो, पूर्ण हो। जैसे उंगलियां पांच होती है पर बंध जाए तो मुट्ठी बनती है। देख नहीं सकता, तुम दोनों को इसकी दृष्टि बननी है। ये सुन नहीं सकता, तुम दोनों को इसके कान बनकर इसकी सहायता करनी है।
इसके पास शब्द नहीं है। तुम दोनों को इसका स्वर बनना है। तो मेरे पुत्रों, अब एक बनो और जाओ, जाकर लड्डू प्राप्त करो। हो, बड़ा एका हो गए इन सभी में। कोई बात नहीं, होने दो, अधिक समय कहाँ रह सकेगा। इन्हें साथ में कैसे जीना है ये तो सिखा दिया मैंने। अब इनके मन में आशा जगाकर इन्हें वो शक्ति देनी होगी जिससे ये जीवन में किसी भी स्थिति से संघर्ष करने में समर्थ बन सके। आओ पुत्र, यहां बैठो। बच्चों, अब ऐसे ही जीवन भर एक दूसरे की सहायता करना। तो प्रभु विनायक तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। जैसे उन्होंने आज मेरा मार्गदर्शन किया, वैसे ही प्रभु विनायक तुम्हारा भी मार्गदर्शन करेंगे। उन्हीं की कृपा से मैं निराशा से आगे बढ़कर आशा और शक्ति के साथ तुम्हारे पास लौटे हूँ। और उनकी कृपा से लड्डू भी तो मिले आपको। हाँ पुत्रों, लड्डू भी। तो भविष्य में कोई भी कठिनाई आए,
कोई भी तुम्हारे साथ कपट करे, सदा प्रथम पूज्य गणेश जी पर विश्वास रखना। वो विश्वास ही तुम्हारी शक्ति बनेगा। कैसी भी कठिनाई आए, कोई भी तुम्हारे साथ कितना भी कपट करे, सदा प्रथम पूज्य गणेश जी पर विश्वास रखना। वो विश्वास ही तुम्हारी शक्ति बनेगा। माँ, प्रभु विनायक महान है, दया निधान है, उनसे कुछ नहीं छिपा, ना सुख ना दुख, वही अपने भक्तों के तारक बनते। पर वो प्रथम पूज्य क्यों है माँ? उसके पीछे एक बहुत बड़ी रोचक कथा है। कथा? हाँ, मैं सुनाती हूँ। एक बार सभी देवता, जगत पिता महादेव और जगत माता पार्वती के पास पहुँचे और कहा, निर्णय लो कि सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजा किसकी होगी। सभी देवताओं में प्रथम हाँ ये उचित है कि सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कौन बने। तो माँ, फिर महादेव ने क्या किया? उन्होंने कर दी एक घोषणा कि होगी प्रतियोगिता, जो भी करेगा सर्वप्रथम संसार की परिक्रमा उसे ही मिलेगी प्रथम पूज्य कहलाने की महिमा। उन भ्राताओं को वो कथा इतनी भा गई कि वो तीनों प्रतिदिन वही कथा सुनना चाहते थे और वो कथा सुनाकर उनकी माँ उन्हें आशा और प्रेरणा देती थी। भिन्न भिन्न और अत्यंत शक्तिशाली अद्भुत गति के स्वामी थे सबके वाहन, किंतु गणेश जी के पास थे मूषक, नहीं थे वो शक्तिशाली जैसे थे इंद्र देव के वाहन महान गज ऐरावत। या फिर जो पल में भरते थे उड़ान और तीव्र गति से पहुंच जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात प्रभु कार्तिकी के मयूर। किंतु प्रभु विनायक ने नहीं मानी हार, उनके पास थी एक बड़ी शक्ति, उनकी बुद्धि। हमारे विनायक ने माना माता और पिता को अपना संसार और उनकी की परिक्रमा। लक्ष्य लाभ पितुः पितः पूजां यागं च रक्षमे। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री
इस प्रकार सर्वप्रथम कार्य को किया पूर्ण और बन गए वो प्रथम पूज्य। यदि अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो तो अपनी कमियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। बस अपनी शक्तियों को पहचान कर उसका उपयोग करना है, क्योंकि कभी कभी चुनौतियां नहीं होती उतनी भारी जितना हम मान लेते हैं उसे। विश्वास रहे तो विजय प्राप्त होती है सदा। प्रथम पूज गणेश जी की आए। प्रथम पूज गणेश जी की आए। प्रथम पूज गणेश जी की जय। प्रथम पूज गणेश जी की जय। ना कठोर तप ना ही कठिन व्रत, विश्वास हो निष्ठा हो तो इनकी आवश्यकता नहीं, सरलता से भी भक्ति की जा सकती है। भक्ति तो अपने आराध्य की कथा कहने और सुनने में भी है, और वो परिवार इसी प्रकार अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहा। किंतु एक दिन क्या हुआ माँ? बैठो माँ। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बहुत कार्य बाकी है, मैं जाती हूँ। नहीं माँ, आप कोई कार्य नहीं करेंगी, अब विश्राम कीजिए। किंतु मैं नहीं शेष कार्य हम कर लेंगे माँ मिलकर। हाँ, माँ मा, कर लेंगे आप विश्राम कीजिए। माँ माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? मैं नहीं रो रही, मैं ठीक हूँ। माँ आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। जब प्रथम पूज्य विनायक है हमारे साथ तो चिंता की क्या है बात माँ? माँ आप यही रहना, हम कथा सुनाते हैं। चलो भ्राता। हाँ माँ। आओ सुने सुनाए कथा प्रथम पूज्य प्रभु गणेश की। उस दिन के बाद से उनकी माँ के स्थान पर वो तीनों ही मेरी कथा सुनाने लगे। उन्हें ये तब ज्ञात नहीं था कि ऐसा कर वो अपने भविष्य का निर्माण कर रहे थे। पहुंचे जब उनके सामने देवता, सोच में पड़ गए स्वयं जगत पिता, क्योंकि प्रश्न ही कुछ ऐसा पूछा था, कैसे कहते कि कौन थे प्रथम पूज्य देवता। फिर उनके मन में एक विचार उठा, संसार की परिक्रमा
सर्वप्रथम करने की होगी स्पर्धा। गणपति अनंत गौर सुत अनंता, धन्य हो जीवन सुने पावन गाथा। गणपति अनंत गौर सुत अनंता, धन्य हो जीवन सुने पावन गाथा। विनायक की महिमा अगम अपार, विघ्नों को हरते हो के साकार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो 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 महिमा अपरंपार। देखता हूँ कब तक सुनाते हैं ये कथा। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। विनायक जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। विनायक जी की जय। ये फल ले लो, ये अन्य लो। वही देखो हमें क्या मिला है माँ। हाँ माँ ये देखो हमें कैसे उपहार मिले। तुम्हारी कला तब निरंतर निखर रही, एक दिन बहुत बड़े कथावाचक बनोगे। किंतु तुम लोग कृषक के बेटे हो तो कृषि भी करनी पड़ेगी। अब मैं चिंता मुक्त हो गई पुत्र। फसल तो उगेगी लेकिन उसके पहले भाभी माँ मुक्ति पा जाएगी और उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूंगा। क्या कर रहे हैं चाचा जी? तुम्हारे चाचा तुम्हें अपने अनुसार जीवन जीने की छूट दे रहे हैं।
मुक्त कर रहे हैं पारिवारिक बंधनों से। ये मुझे आज नहीं, बहुत पहले कर देना चाहिए था। जाओ, चले जाओ। किंतु चाचा जी, हम तो कहीं नहीं जाना चाहते, ये हमारा घर है। ना ना बालक, ऐसे नहीं बोलना है कि हमारा घर है, ऐसे बोलो कि हमारा घर था। अब ये घर, ये तुम्हारे चाचा का है। तो हमें हमारी कृषि भूमि तो रखने दीजिए। अब ना कोई घर है तुम्हारा और ना ही कोई कृषि भूमि, अब जो भी है तुम्हारे इस चाचा का है। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। और बालक, तुम्हें घर की ये कृषि भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम लोग तो कलाकार हो, महान कलाकार। ये लो, बजाते रहो और नृत्य करते रहो, और ये पकड़ो और मांगते रहो भिक्षा, भटकते रहो यहाँ वहाँ। तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम कहीं भी रहो, लेकिन आज के बाद यहाँ नहीं रहोगे, और यहाँ वापस आने का दुसाहस कभी मत करना, नहीं तो समझ गए ना? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। भ्राताओं, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? भविष्य में कोई भी कठिनाई आए तो प्रभु विनायक तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, वो विश्वास ही तुम्हारी शक्ति बनेगा। बस अपनी शक्तियों को पहचान कर उसका उपयोग करना है, क्योंकि कभी कभी चुनौतियाँ नहीं होती उतनी भारी जितना हम मान लेते हैं उसे। विश्वास रहे तो विजय प्राप्त होती है सदा। सुनो, सुनाए हम महिमा प्रथम पूज्य गजानन की। गणपति अनंत गौरी सुत अनंता, धन्य हो जीवन सुने पावन गाथा। गणपति अनंत गौरी सुत अनंता, धन्य हो जीवन सुने पावन गाथा। विनायक की महिमा अगम अपार, विघ्नों को हरते हो के साकार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो 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 महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार। और धीरे धीरे इसी प्रकार वो इस कला में और अधिक निपुण होते चले गए और श्रेष्ठ कथावाचक बन गए। तत्पश्चात मंदिर के पुरोहित ने उन्हें मंदिर में ही निवास का स्थान दे दिया। प्रतिदिन रात्रि भजन संध्या में वो मेरी कथा सुनाते और सभी सुनने वाले भक्तों से फल,
धन आदि का दान पाते। विनायक की महिमा अगम अपार, विघ्नों को हरते हो के साकार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार। महादेव व जगत माता करें विचार, कौन है प्रथम पूज्य अवतार। प्रथम पूज्य स्थान वही पाएगा जो पहले करेगा परिक्रमा संसार। प्रथम पूज्य प्रतियोगिता के आरंभ की हो रही थी पुकार, देवगण करने लगे हुंकार अपने वाहन पर होकर सवार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, देखो देखो महिमा अपरंपार। देवगण उड़ने लगे समझकर अपने वाहन को विमान, मूषक की थी गति धीमी किंतु गजानन है बुद्धिमान। गजानन ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर दिखा दिया, माता पिता के चरणों में है संसार ये सबको बता दिया। प्रथम पूज्य बने सबको पिछाड़, गणपति अनंत गौर सुत अनंता, धन्य हो जीवन सोने पावन गाथा। विनायक की महिमा अगम अपार, विघ्नों को हरते हो के साकार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, देखो देखो महिमा अपरंपार। प्रथम पूज गणेश जी की जय। प्रथम पूज गणेश जी की जय। प्रथम पूज गणेश जी की जय। प्रथम पूज श्री विनायका की जय। वाह, आनंद आ गया इनका कथा वाचन सुनकर। कितने खुले हृदय से गाते हैं, मानो जैसे प्रभु का ही सुर सुन रहे हो। और इनके चाचा कितने छोटे हृदय के हैं, इन निर्दोष बालकों को घर से बाहर निकाल दिया और इनकी भूमि छीन ली। तो ऐसा था क्या, मुझे इसके बारे में ज्ञात क्यों नहीं था। मैं यहाँ का मुखिया हूँ और मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। जो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं उन्हें धन संपत्ति की सुध बुध कहाँ रहती है। इसीलिए इन्होंने न अपने घर को लौटाने के लिए कहा और न ही अपनी भूमि की चिंता की। तो फिर ये हमारा दायित्व है कि हम इनके लिए अपना स्वर उठाएं। स्वर उठाएंगे, स्वर उठाएंगे, स्वर उठाएंगे, स्वर उठाना ही चाहिए। उस ग्राम के वासी उन तीनों को इतना सराहने लगे, उनसे इतना स्नेह करने लगे कि मुखिया ही नहीं उनके साथ गांव के आधे निवासी उन तीनों के चाचा के पास पहुंचे। क्या हुआ, क्या बात हो गई? बात तो ये है कि तुम कैसे चाचा हो अपने लाचार भतीजों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो। अपनी इस भूल को सुधारो और लौटाओ उनकी भूमि को। लौटाओ उनकी भूमि। अन्यथा दंड देंगे तुम्हें, ग्राम से बाहर निकाल देंगे। ओ हो, तो लालची चाचा को उनकी भूमि लौटानी पड़ी होगी, है ना गणेश जी? हाँ, किंतु यहाँ भी चाचा ने चाल चली उन्हें सूखी बंजर भूमि देकर। आओ तुम्हें तुम्हारी भूमि दिखा दूँ। ऐसी भूमि देखकर स्वयं लौट जाएंगे ये। ईश्वर के सच्चे भक्त के लिए कोई कुछ बुरा भी करे तो वो भी उनके लिए प्रभु का प्रसाद ही बन जाता है, और प्रसाद का अर्थ ही है प्रभु का साक्षात दर्शन। उनके चाचा को ये ज्ञात नहीं था कि जो कठिनाई वो बो रहे थे वो उन तीनों के लिए उनके प्रभु का प्रसाद बनकर फलने वाली थी। जहाँ श्रम भी भ्रम ही हो, जहाँ संभव ही ना हो सफलता, वो भूमि उन तीनों भ्राताओं के लिए आशीर्वाद कैसे बन सकती थी।
भूमि तो बंजर थी, पथरीली भी थी, किंतु आशा और विश्वास से पूर्ण व्यक्ति संकट में भी अवसर देखता है और विश्वास बनाए रखता है। इन तीनों भ्राताओं को अपनी माँ का मेरे प्रति विश्वास स्मरण था। भक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। और बालको, मैं तुम्हारा अधिकार क्यों रखूंगा? चाचा हूँ तुम्हारा। अरे मैं तो स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारा ये कानी भूमि खंड सौंप देता हूँ। अब तुम्ही संभालो इसे, खूब फसल उगाओ। क्या हुआ, ये भूमि पसंद नहीं आई तुम लोग? क्या हुआ भाइयों, इतने शांत क्यों हो? क्या दोष है भूमि में? नहीं भ्राता, भूमि में कोई दोष नहीं होता। दोष तो हम मनुष्य की मंशाओं में होता है। वाह बेटा वाह, क्या बात कही है, बहुत अच्छा। अब तुम लोग अपनी ये कानी भूमि संभालो और उगा लो फसल और मुझे मुक्त कर दो। विश्वास नहीं हो रहा, चाचा जी ने इतनी सरलता से भूमि कैसे दे दी? अवश्य कुछ है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। एक कमी है, ये भूमि सूखी है, पथरीली है, इसीलिए बंजर। तुम लोग कृषक के बेटे हो, तो कृषि भी करनी पड़ेगी। माँ ने कहा था ना कि हम कृषक के पुत्र हैं और एक किसान कभी हार नहीं मानता, इसलिए हमें कृषि करने के लिए उपाय ढूंढने चाहिए। किंतु यहाँ कृषि कैसे होगी? कभी कभी चुनौतियाँ नहीं होती उतनी भारी जितना हम मान लेते हैं उसे। विश्वास रहे तो विजय प्राप्त होती है सदा। माँ ने कहा था ना कि विश्वास से ही सफलता मिलती है। हम करेंगे, इस धरती को तैयार करेंगे। हम खेती करेंगे, हम करेंगे खेती। महाकाय सूर्य निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो विनायक, ओम नमो विनायक, ओम नमो विनायक। Ah!
अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि सफाई मात्रा से जल थोड़ी आएगा हा? और जल नहीं आया तो खेती कैसे होगी? इस कानी भूमि में फसल नहीं उगा पाएंगे हाँ, और फिर थक कर लौट जाएंगे भजन कीर्तन करने अपने प्रभु विनायक आके, और उसके बाद ये भूमि मुझे मिल जाएगी हाँ मुझे मिल जाएगी। लेकिन जो भी है इनकी मूर्खता के बहाने ये बंजर जमीन साफ तो हो गई भ्राता हम सफल हुए धरती अब तैयार है। वाह अद्भुत सर्वथा अद्भुत मेरे भतीजो। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी मेरे भतीजो कि तुम तीनों मिलकर इतना बड़ा चमत्कार करोगे। इस कानी बंजर भूमि की कायाकल्प कर दी तुम लोगों ने। वाह मेरे कर्मठ भतीजो वाह तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन काश तुम लोग इस कानी बंजर भूमि की तरह अपना भाग्य चमका सकते हैं। अब देखो ना ऐसी बंजर भूमि से जल तो निकलने से रहा। अब भतीजो मुझे ये बताओ कि जिस भूमि में जल ना हो उसमें फसल कहां से होगी? ये तो वही बात हो गई मेरे भतीजो कि जहां से आरंभ किया था तुम तीनों के तीनों वहीं के वहीं आ गए। भाग्य का द्वार खटखटाने से अच्छा है कर्म का तूफान खड़ा करना, फिर सब द्वार अपने आप ही खुल जाएंगे। और चाचा जी हम जहां खड़े थे वहां से थोड़े ही सही पर आगे आए हैं। उचित कहा भैया ने चाचा जी, प्रभु विनायक हमारे सहायक हैं, हम उन्हीं की कृपा से आगे बढ़ेंगे, धरती का सीना चीर कर जल निकालेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अवश्य मेरे भतीजो अवश्य कृपा वर्षा होगी अवश्य होगी तुम्हारे प्रभु विनायक की। इस बंजर भूमि में जल ही जल होगा, नदी भी अवतरित होगी और जल के कुप भी खोद लोगे तुम, और कोई कठिनाई आई तो स्वयं तुम्हारे प्रभु विनायक आएंगे तुम्हारी सहायता करने के लिए। सत्य कहा चाचा जी आपने, स्वयं प्रभु विनायक अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाएंगे। मूर्ख प्राणी। मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? हाँ तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हमारे सामने इतनी गंभीर समस्या है और तुम मुस्कुरा रहे हो भला? है ना चाचा जी ने अनजाने में एक उपाय सुझा दिया। उन्होंने कहा ना कूप खोद सकते हैं तो प्रभु के आशीर्वाद से वही करते हैं ना। किंतु गणेश जी उस पथरीली भूमि पर कूप खोदना तो अत्यधिक कठिन होगा, तो क्या आरंभ भी कर दिया था उन तीनों ने? हाँ कर दिया, और उस कूप में उन्हें श्रम से अधिक उनकी भक्ति का फल मिलने जा रहा था।
श्री विनायका। चकित मत हो भ्राता, थोड़ा जल दिखाई दिया है, अगर तुम भी देख पाते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा ही है जो मैं देख पा रहा हूं अपने प्रभु श्री विनायक की झलक। जीवन में मैंने अंधकार के सिवा और कुछ नहीं देखा, पर आज मेरी दृष्टि ने पहली बार मेरा साथ दिया। प्रभु श्री विनायक दर्शन दे रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि प्रभु स्वयं इस कुंभ में हो। अद्भुत अद्भुत। अर्थात उनका आशीर्वाद प्राप्त है हमें। हमें कुंभ की खुदाई करते रहना चाहिए। हाँ, खुदाई करते रहना चाहिए। आओ भ्राता। देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री विनायका। आश्चर्य, मेरे कानों में ध्वनि गूंजी। क्या क्या ध्वनि थी वो? ध्वनि? कैसी ध्वनि? हमने तो कोई ध्वनि नहीं सुनी, और तुम तो सुन भी नहीं पाते हो, तो तुमने कहां से सुन ली ध्वनि? किंतु मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों ने कुछ सुना। ये तो चमत्कार हो रहा है। मुझे कुछ दिखाई दिया और तुम्हें सुनाई। हमें रुकना नहीं चाहिए। कैसा दिव्य प्रकाश है जल में। हे प्रभु विनायका, तुम बोले कैसे? और तुम सुने कैसे? और तुमने देखा कैसे? जय प्रभु विनायका। जय प्रभु विनायक। ये चमत्कार है, प्रभु विनायक का चमत्कार। जय प्रभु विनायक। जय प्रभु विनायक। जय प्रभु विनायक। ये जल लाल क्यों हो रहा है? विघ्नेश्वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागध कह श्रुत्वा समुतिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मोर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवः संवादयो योगि मुखास्तथाहम्। प्रभु विनायक स्वयं प्रकट हुए। हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए। जय प्रभु विनायक। जय प्रभु विनायक। जय प्रभु विनायक। ओ भाग्य हमारे, प्रभु विनायक के दर्शन हो गए। ओ भाग्य हमारे। मैंने कहा था ना कि मैंने प्रभु को यहाँ देखा था। मैंने भी सुना था। तो सर्वप्रथम यहाँ से कुदाल तो हटा देते। विघ्नेश्वीर्याणी विचित्रकाणी प्रभु समुतिष्ठ। जय प्रभु विनायका। आपने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया प्रभु, धन्य कर दिया।
गणपति अनंत गौरी सुत अनंता, धन्य हो जीवन सुने पावन गाथा। गणपति अनंत गौरी सुत अनंता, धन्य हो जीवन सुने पावन गाथा। विनायक की महिमा अगम अपार, विघ्नों को हरते हो के साकार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो 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 महिमा अपरंपार। हमें ग्रामवासियों को बताना चाहिए प्रभु को भूमि से बाहर निकालने के लिए उनकी हमें सहायता चाहिए होगी। बोलो प्रभु विनायका की, बोलो प्रभु विनायका की, बोलो प्रभु विनायका की। उस बंजर भूमि में, कानी भूमि में और प्रतिमा चमत्कारी रूप से बढ़ती जा रही है। विश्वास कीजिए, मैंने स्वयं देखा अपनी आंखों से। किंतु तुम तो दृष्टिहीन हो। हाँ, अब मैं सबको देख सकता हूँ। और मैं मूक था, किंतु अब मैं ऊंचे सुर में प्रभु विनायका की जय जयकार कर सकता हूँ। बोलो बोलो प्रभु विनायका की जय, प्रभु विनायका की जय। और जब ये जयकारा लगाते हैं तो मैं भी अपने कानों से सुन सकता हूँ। और अब मैं भी इनके साथ जयकारा लगाता हूँ। बोलो प्रभु विनायका की जय, बोलो प्रभु विनायका की जय। प्रभु विनायक की कृपा ने हमें देखने सुनने और बोलने की शक्ति प्रदान की, हमारा विश्वास कीजिए। ये तो साक्षात चमत्कार है। प्रभु विनायक आए हैं, प्रभु विनायक आए हैं, प्रभु विनायक आए हैं, प्रभु विनायक आए हैं। हाँ प्रभु विनायक हमारे बीच आए हैं। गाना गाते गाते अब झूठ भी बोलने लगे तीनों। हमारे साथ सब जय जयकारा लगाओ। बोलो प्रभु विनायका की जय, प्रभु विनायका की जय, प्रभु विनायका की जय। अब सब हमारे साथ चलिए, हम सब साथ मिलके हमारे विनायका की प्रतिमा को उस कुएं से बाहर निकालेंगे जिसे हमने स्वयं खोदा है। हमारे साथ चलिए, प्रभु का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़िए। बोलो प्रभु विनायका की जय, 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 प्रभु विनायका की जय। नमो देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अद्भुत, सत्य कहा, विनायका स्वयं पधारे हैं। प्रभु की लीला तो प्रभु ही जान सकते हैं। श्री विनायका की जय, श्री विनायका की जय, श्री विनायका की जय।